भारत ने हाल ही में कुछ ऐसा किया जिसने चीन को बेहद परेशान कर दिया है। अब से कुछ दिन पहले ही भारत ने चीन के पड़ोसी फिलीपींस को दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस मिसाइल दी, तो वहीं दूसरी ओर भारत ने अब एक ऐसे मिसाइल को अपनी सेना में शामिल किया है जो भारत की सीमा के अंदर से ही सीमा पार दुश्मन के छक्के छुड़ा सकता है। भारत ने जो ब्रह्मोस मिसाइल फिलीपींस को दी है वो 200 से 300 केजी परमाणु या फिर पारंपरिक हथियार अपने साथ लेकर जा सकती है। ये मिसाइल 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा सकती है, 290 से 800 किलोमीटर तक इसकी रेंज है। अच्छी बात यह है कि यह समंदर से कुछ फीट ऊपर ही उड़ान भरती है, इसलिए रडार पर यह दिखती नहीं है और किसी भी रडार से बड़ी ही आसानी से यह बच सकती है। इसकी रफ्तार की बात करें तो 3,704 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये दुश्मन पर हमला करती है। ये दुश्मन पर इतनी तेजी से हमला करती है कि दुश्मन को ना सोचने का मौका देती है और ना ही संभलने का। आपको बताएं तो फिलीपींस चीन का पड़ोसी देश है और फिलीपींस पर भी चीन जुर्म करता रहता है, और ऐसे में फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल मिलने के बाद उसे मजबूती मिलेगी। इसके अलावा हाल ही में भारतीय वायुसेना ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के आसमान में हवा से सतह पर मार करने वाली नई बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। मिसाइल ने तेज गति से टारगेट को सटीकता से हिट किया। इस मिसाइल का नाम है क्रिस्टल मेज 2। इसराइल की इस मिसाइल को प्यार से रॉक्स भी कहते हैं। इसके अलावा इसे पॉप आई भी बुलाते हैं। मिसाइल टेस्टिंग के लिए वायुसेना ने अपने सबसे घातक फाइटर जेट सुखोई 30 MKI का इस्तेमाल किया था। परीक्षण के लिए अंडमान और निकोबार का चयन इसलिए किया गया था क्योंकि यहां पर तीनों सेनाओं का बेस है। इसराइल की ये मिसाइल भारत में ही बन रही है, इसे मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत बनाया जा रहा है। क्रिस्टल मेज 2 मिसाइल अपने पुराने वर्जन यानी क्रिस्टल मेज 1 से एकदम अलग है। इसकी रेंज 250 किलोमीटर है। यह स्टैंड ऑफ रेंज एयर टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है। यह उन टारगेट्स को भी निशाना बना सकती है जो लगातार मूव कर रहे हैं। इसके अलावा दुश्मन की लंबी दूरी के रडार और एयर डिफेंस सिस्टम को भी ये नष्ट कर सकती है। इन सब के अलावा भारत को अब S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की भी दो बची हुई रेजिमेंट की आपूर्ति जल्द रूस के द्वारा की जाएगी। माना जा रहा है कि अगले साल तक S-400 की दो बची हुई रेजिमेंट भारत आ सकती हैं, जिससे कि भारत की सीमाओं की सुरक्षा और ज्यादा बढ़ जाएगी। भारत ने न केवल अपनी सीमाओं की चौकसी अब बढ़ाई है बल्कि फिलीपींस जैसे देशों को मजबूती देकर भारत ने रणनीतिक रूप से चीन को चुनौती दी है।